स्वर्णरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के विद्युतिक पदार्थ एवं केबल चैप्टर का यह तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पिछले वाले क्लास में दो वीडियो अपलोड हो चुका है। आप बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। आज के इस क्लास में लोग बात करेंगे इंसुलेटर क्या होता है, अच्छे इंसुलेटर में क्या क्या गुणधर्म होते हैं एवं इंसुलेटर का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अचालक इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को इंसुलेट करें। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि इंसुलेटर का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। एक कांच का रड ले लेते हैं, उस रड के एक तरफ हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को टच करते हैं और उस कांच के हम लोग एक तरफ अपना हाथ से पकड़ते हैं। जब हम लोग एक तरफ इलेक्ट्रिक करंट को टच करते हैं और दूसरे तरफ से जब कांच को पकड़ते हैं तो हमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव ही नहीं होता है। इसी को कहा जाता है इंसुलेट। इंसुलेट मतलब ये अपने में से होकर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ से लगेगा। हम अपने दैनिक जीवन में अनेकों प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अभ्रक, एस्बेस्टर, बेकेलाइट, पीवीसी। इन सभी का प्रयोग हम लोग इंसुलेटर मटेरियल के रूप में अलग अलग जगहों में करते हैं। चलिए अभी हम लोग एक इंसुलेटर का प्रॉपर डिफिनेशन की बात करते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होता है वो पदार्थ अचालक कहता है। वैसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होता है उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको इंसुलेटर का कुछ एग्जाम्पल भी बताया था। इसके अलावा भी अनेकों प्रकार के इंसुलेटर के एग्जाम्पल होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जो इंसुलेटर होता है वो किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ही नहीं होने देता, बट इसमें एक सर्टेन लिमिटेशन भी होता है। अगर हम लोग इंसुलेट को एक प्रॉपर वोल्टेज और एक प्रॉपर टेम्परेचर अप्लाइड करें तो एक समय ऐसे आएगा जब ये इंसुलेटर एक कंडक्टर मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसमें से होकर भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो हो सकता है। उसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है जो नॉर्मली में असंभव होता है। इसीलिए हम लोग इंसुलेटर को दैनिक जीवन में से मान के चलते हैं कि इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ही नहीं कर पाता साधारण व्यवस्था में। सामान्यतः ये पदार्थ अधात्विक होता है। सामान्यतः जो इंसुलेटर होता है ये नॉन मेटालिक होता है, मतलब नॉन मेटालिक मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करता, इसीलिए इसको नॉन मेटालिक कहते हैं। और प्रत्येक पदार्थ पृथक पृथक वोल्टेज सहन सीमा होता है और इनके अंदर के जो छोटे छोटे मतलब एक एक सेंटीमीटर में या एक एक मिलीमीटर में बहुत छोटे छोटे भागों में भी अलग अलग वोल्टेज को सहन करने का क्षमता होता है, जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। हम लोग जब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण गुण है कि उसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है, मतलब सपोज कि किसी इंसुलेटर का रेटिंग है 2 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर, 2 किलो वोल्ट मतलब 2 किलो मतलब 2000 वोल्ट प्रति मिलीमीटर। अगर 2000 वोल्ट प्रति मिलीमीटर उस इंसुलेटर में अप्लाई करेंगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा इस इंसुलेटर का। अगर 2000 वोल्ट से ज़्यादा प्रति मिली वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी इंसुलेटर का ब्रेक डाउन होगा। 2000 वोल्ट से नीचे इंसुलेटर बिल्कुल सेफ्टली से काम करेगा। कुछ प्रमुख अचालक पदार्थ जैसे कि आपको पहले ही बताया था अभ्रक, कांच, एस्बेस्टर, बेकेलाइट, पीवीसी आदि, ये सभी अचालक पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अच्छे इंसुलेटर का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटर। हम जब
अच्छे इंसुलेटर का बात करते हैं तो इनमें क्या क्या गुण होना बहुत ही आवश्यक है। पहला गुण, अचालक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए। जब तक इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च नहीं होगा, ये अच्छे इंसुलेटर के वर्ग में शामिल नहीं हो सकता। इसीलिए एक अच्छे इंसुलेटर का ये गुण होना चाहिए कि इसमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, जिससे कि उसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली विद्युतिक सामग्री एवं उपकरणों के निर्माण में किया जा सकता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा पॉइंट है अच्छे इंसुलेटर के गुणधर्म में। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, अचालक का विशिष्ट प्रतिरोध 10^12 ओम सेंटीमीटर से उच्च होना चाहिए, जिससे कि उसे सुरक्षित रूप से प्रयोग किया जा सके। जो इंसुलेटर को हम लोग अच्छे इंसुलेटर कहते हैं, उसमें भी ये गुण होना चाहिए कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध 10^12 ओम सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, तभी इसे हम एक अच्छे इंसुलेटर के वर्ग में रखेंगे। तीसरा, अचालक पदार्थ ऊष्मा को विकृत मतलब रेडिएट कर सकने का योग्य होना चाहिए, जिससे कि कार्य करते समय तापमान बढ़ने पर उसकी अचालकता समाप्त ना हो सके। एक अच्छे इंसुलेटर में ये गुण होना ही चाहिए कि ये ऊष्मा को अपने में से होके विकृत कर सके, मतलब जब ये गर्म हो तो ऊष्मा को ये छोड़ते हुए ठंडा हो सके। अगर ये गुण एक अच्छे इंसुलेटर में नहीं होगा, तब एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये इंसुलेटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा और ये अपने अचालकता को समाप्त कर देगा। इसीलिए एक अच्छे इंसुलेटर में ये गुण होना चाहिए कि ऊष्मा को ये विकृत कर सके, ताकि इसका प्रयोग हम लोग हाई टेम्परेचर में भी कर सकें। फोर्थ नंबर पॉइंट है, अचालक सस्ता एवं सुभल होना चाहिए, जिनसे कि सामान्य विद्युत कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सके। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जो इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग नॉर्मली या साधारण कार्यों के लिए करते हैं, उसमें तो कॉस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है और इसके उपलब्धता भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर इंसुलेटर आसानी से उपलब्ध नहीं होगा तो इसका ऑटोमेटिकली इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए एक अच्छे इंसुलेटर में ये गुण होना चाहिए, ये सरलता से उपलब्ध भी होना चाहिए और इसका कॉस्ट भी बहुत कम होना चाहिए, ताकि हम लोग साधारण से साधारण कार्यों में भी इस इंसुलेटर का प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार से हम लोग बात किए एक अच्छे इंसुलेटर में क्या क्या गुणधर्म होता है। चलिए और एक पॉइंट भी बात कर लेते हैं, यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है, अचालक पर्याप्त सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उपयोग के समय वो सरलता से नष्ट ना हो सके। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। एक अच्छे इंसुलेटर में ये गुण होना चाहिए, ये पर्याप्त मात्रा में मजबूती होना चाहिए, क्योंकि एक इंसुलेटर में हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा लोडिंग भी कर देते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ में जो इंसुलेटर का प्रयोग होता है, जैसे पोर्सलिन होता, ग्लास होता, इन सभी इंसुलेटर में हम लोग 100 किलो 150 किलो या उससे भी ज़्यादा केजी का SESR कंडक्टर के इसके ऊपर हम लोग हैंग करते हैं। अगर एक अच्छे इंसुलेटर में ये गुण ही नहीं रहेगा कि ये ज़्यादा मजबूत रहे, फिर तो इंसुलेटर टूट जाएगा। तो एक अच्छे इंसुलेटर में ये गुण होना चाहिए कि ये पर्याप्त मात्रा में मजबूत होना चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा केजी के लोड को भी बेर कर सके। और एक पॉइंट का बात कर लेते हैं, अचालक नमी एवं जल से अप्रभावित रहना चाहिए, जिससे कि नम एवं बरसाती मौसम में भी उसका अचालकता कम ना हो। एक अच्छे इंसुलेटर में ये गुण होना चाहिए कि वो जल या नमी से अप्रभावित रहे, मतलब वर्षा के जल का या नमी का किसी प्रकार से उसमें प्रभाव ना मिले। अक्सर ऐसे होता है जब वेदर चेंज होता है तो एक इंसुलेटर में भी कुछ अनबैलेंस देखा जाता है, ये अनबैलेंसिंग नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक इंसुलेटर गर्मी के समय काम कर रहा है, उसी प्रकार से इंसुलेटर बरसात के समय भी काम करना चाहिए और ठंड के समय भी काम करना चाहिए, तभी जाकर हम इसे एक अच्छे इंसुलेटर के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग
अच्छे इंसुलेटर के क्या क्या गुणधर्म होते हैं इस पे बात की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अचालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर को कितने भागों में बांट सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग चालकों का वर्गीकरण किए थे उसी प्रकार से इंसुलेटर का भी वर्गीकरण करेंगे। इंसुलेटर को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है, ठोस अचालक सॉलिड इंसुलेटर, द्रवीय अचालक लिक्विड इंसुलेटर और गैसीय अचालक। ये तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है इंसुलेटर को। आने वाले क्लास में मैं आपको इसको बेहतर ढंग से समझाऊंगा कि ठोस अचालक क्या होता है, द्रवीय अचालक क्या होता है और गैसीय अचालक क्या होता है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई को जारी रखिए।